नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में है और आपको बता दें कि प्रयागराज हाई कोर्ट के गेट नंबर 5 पर हम बैठे हुए हैं और हमारे साथ सीनियर अधिवक्ता बात करने के लिए मौजूद हैं। आपको बता दें कि जहाँ पर आलोक दुबे और ज्योति मौर्या का जो प्रकरण है, ये लगातार नेशनल चैनलों पर हाईलाइट होता चला जा रहा है। क्या कुछ इससे समाज पर प्रभाव पड़ रहा है और क्या आलोक दुबे जिस लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, क्या ज्योति को न्याय मिल पाएगा या आलोक को न्याय मिल पाएगा, इस पर क्या कुछ मामला निकल कर आएगा, हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे न्याय प्रणाली के माध्यम से। तो हमारे साथ सीनियर अधिवक्ता बृजेश मिश्रा जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर। सबसे पहला सवाल है कि जिस प्रकार से एक लड़की, एक अगर हम बात करें आलोक मौर्या के साथ जो ये की है, ये सही है या गलत है? बहुत गलत है, बहुत ही निंदा गलत है। क्योंकि गलत है कि आलोक मौर्या, और 2010 की शादी है आलोक मौर्या की, 2016 में उनका सिलेक्शन हुआ, 2016 में सिलेक्शन में उनकी दो बच्चियां हैं, वो अपनी बेटी की सग नहीं है। दूसरी बात, एक सिविल जैसी बड़ी परीक्षा उन्होंने पास कराया और पैसा देकर प्रयागराज जैसे शहर में उन्होंने कोचिंग कराया, कोचिंग कराने के माध्यम से उनको एक सफलता मिली, सफलता उन्होंने ही अपने लिया, लेकिन जो सहयोग रहा तो आलोक मौर्या का ही रहा। और उस समय भी जब शादी हुई 2010 में, तो उस समय तो आलोक मौर्या सफाईकर्मी में थे। अगर उनको ज्योति मौर्या को लग रहा है कि सफाईकर्मी है, तो उस समय भी तो सफाईकर्मी थी, दो दो बच्चे हो गए। आज अगर उन्होंने दुबे ने मनीष दुबे ऐसा कर रहे हैं, मनीष दुबे के साथ उड़ा रही हैं, तो आलोक मौर्या के साथ तो बहुत गलत हो रहा है ना, बहुत ही गलत हो रहा है। लेकिन सर, अगर हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करें या तमाम प्रकार के न्याय प्रणाली की बात करें, तो लोग लोग ये कहते हैं कि एक व्यक्ति का कई लोगों से अफेयर हो सकता है, प्रेम प्रसंग हो सकता है, तो ये कहां तक सत्य है? देखिए, ये बात हो सकती है, सोशल ये ऐसी बात नहीं है। जैसी ऐसी सिविल जैसी परीक्षाएं पास करके अगर आप ऐसी नित्रा गलत बातें कर रही हैं अपने परिवार को, तो देखने में जैसे आप, किसी ने कहा कि 136 महिलाएं उनकी देख रही हैं, कि 136 महिलाओं को किसी गार्जियन ने जैसे इलाहाबाद शहर में या दिल्ली जैसे शहर में घर बुला लिया, परीक्षा प्रतियोगी परीक्षाएं दे रही थी, प्रतियोगी परीक्षा देने के बावजूद उनको ये लगा कि हमारा परिवार कहीं अच्छे जगह चला जाएगा, लेकिन ये माध्यम, ये प्रकरण उठते ही उन्होंने अपने घर बुला लिया। तो ऐसी किसी महिलाओं में, 136 महिलाओं के जो देखते हुए, ऐसी महिलाएं भी थी 136 में थी जो कि एक सिलेक्शन लेने के लायक थी, लेकिन इस प्रकरण में जो 136 महिलाओं को घर बुला लिया गया, उनको गार्जियन ने बुला लिया, ये सब तो ज्योति मौर्या की ही देन है। ज्योति मौर्या ने तो गलत कदम उठाया। अगर हिंदू रीत रिवाज की हम बात करें, जो हिंदू रीत रिवाज की हिसाब से शादियां होती हैं, जहां पर सात बचनों को लिया जाता है, ये सारी चीजें उन्होंने तोड़ दिया जी। अगर हिंदू रीत रिवाज की बात कहा जाए कि यहाँ शादी होती है, शादी में मंडप होता है, सिंदूर डाला जाता है, एक पति हिंदू धर्म जैसे होती है, शादियां बहुत अच्छे ढंग से होती हैं। शादियां को अगर देखा जाए तो उन्होंने कोई भी अपना एक सातों वचन नहीं निभाया, किस तरीके से दो दो बच्चियां हुई हैं। आप शादी की बात क्या करें, बच्ची का मुंह नहीं, बच्ची रो रही है कि माता जी कब आएंगी, और वो कह रही है, अभी वीडियो उसमें हुआ था कि वो रो रही है और कह रही है, उसमें जो शादी की बात, अगर ज्योति मौर्या 498 दहेज का प्रकरण लगाई है, तो उस समय भी तो 5000 रुपये में उनका तिलक चढ़ा था, उस समय सफाईकर्मी था वो इंसान। अरे, प्रतियोगिता दर्पण में ज्योति मौर्या ये कहती हैं कि ये इस परीक्षा का सबसे बड़ा जो श्रेय है वो हमारे पति आलोक मौर्या और हमारे ससुर जी का है। जी, उन्होंने अपने लेख में लिखा है, प्रतियोगिता दर्पण हो, क्रॉनिकल उठा लीजिए, कोई भी प्रतियोगी का सीरीज आप उठा लीजिए, उसमें उन्होंने अपने जो ये उन्होंने सफलता का वो हासिल किया है, वो श्रेय उन्होंने अपने पति और ससुर को दिया है। उस बात को आज भी उनको जानकारी है कि पति और श्रेय को, लेकिन जो इसमें मनीष दुबे जी आ गए हैं, मनीष दुबे के माध्यम से वो अपने पति और बच्चे की मोह ममता को छोड़ चुकी हैं, और इस तरीके से अन्य लोग भी उनको देख के बहुत ही चिंतित हैं इस बात को लेकर कि जो हमारा परिवार है बाहर जैसे प्रयागराज और दिल्ली जैसे शहरों में अपनी प्रतियोगी परीक्षा दिला रही हैं, उनको बुलाना एक बहुत बड़ी मौजूदगी हो गई है उस प्रकरण में उठने का। मनीष दुबे की पत्नी आलोक मौर्या के पास फोन करती हैं, आलोक मौर्या उनको दीदी बोलते हैं कि दीदी मेरे साथ इतना बहुत गलत काम कर रहे हैं मनीष दुबे जी, तो इस प्रकरण पे क्या करना चाहेंगे? वो अपने परिवार के साथ धोखा किए और इधर एक परिवार के बीच बहुत बड़ा विखंडन किए, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मनीष दुबे कब आए, मनीष दुबे तब आए उनके पास जब उन्होंने एसडीएम बन गए, वो प्रतियोगी परीक्षा पास की, उन्होंने एक प्री एग्जाम दिया, मेंस दिया, इंटरव्यू दिया, जैसी सिविल जैसी परीक्षा को उन्होंने पास किया और एसडीएम के पद पे तैनात हुए जी। तो हम ये कहना चाहेंगे कि आलोक मौर्या और उनको दीदी कह रहे हैं, दीदी किस प्रकरण में कह रहे हैं कि उनको बातें हो जाए। उन्होंने तो एक प्रकरण में मैंने ये भी देखा, उन्होंने कहा मैं तुम्हें जैसे सफाई कर्मी के साथ रहूंगी, तो समय भी तो ये प्रकरण
इंसान था, सफाई कर्मी तो तब भी था वो इंसान, बिल्कुल शुरुआत में, शुरुआत दौर में ही सफाई कर्मी था। तो आपने तो ही कहा कि घर वालों को न बताइए, हमने जहाँ तक बात की है कि लव की बात है, इनका भी लव मैरिज हुआ था, घर को इन्होंने अरेंजमेंट में बदला, लॉस ऑफ मनी, आउट ऑफ माइंड, वेस्ट ऑफ टाइम इन लव लाइफ, लव का फुल फॉर्म ही होता है, अगर फिर से एक बार फिर, हाँ, लव का फुल फॉर्म ही होता है लॉस ऑफ मनी, आउट ऑफ माइंड, वेस्ट ऑफ टाइम इन लव लाइफ। देखिए लव का फुल फॉर्म ही है, और मनीष दुबे को भी ये चीज चाहना चाहिए, मनीष दुबे को भी ये सोचना चाहिए, कमांडेंट ऑफिसर है उनको भी देखना चाहिए, किसी परिवार का विखंडन नहीं करना चाहिए। हाँ, इस लव के चक्कर में पड़ के किसी परिवार को तोड़ रहे हैं आलोक मौर्य, दो बार, एक बार लखनऊ, एक बार प्रयागराज में उनको दो बार आपत्तिजनक में पकड़े थे जी। तो उस चीज को आपत्तिजनक में दो बार पकड़ने के बाद उन्होंने अपनी बात को कुछ भी नहीं रखा, ये जो मीडिया के सामने अभी उछाल हुआ है, जब उन्होंने ये कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, इसलिए वो मीडिया के सामने रखे, उन्होंने अपने परिवार को इज्जत की बचाने के चक्कर में दो बार उन्होंने पकड़ा मनीष दुबे के साथ, लेकिन इस परिवार को छोड़ने के चक्कर में कि हमारा परिवार विखंडन न हो, दो बच्चियां हैं, उनके जीवन में क्या असर पड़ेगा, पति पत्नी का डिस्प्यूट बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बात को उन्होंने, आलोक मौर्य ने उस समय मीडिया में नहीं किया। अगर हम कोर्ट ऑफ लॉ की बात करें, अगर हम नियम के हिसाब से बात करें, तो ज्योति मौर्य की किस प्रकार से सजा होनी चाहिए इस मामले? देखिए, जहां तक आप कोर्ट ऑफ लॉ की विधि की बात कर रहे हैं, तो हम ज्योति मौर्य से यही माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय कोर्ट से ये दावा करेंगे, उन्होंने जो दहेज का प्रकरण रखा है, उन्होंने ये कहा है कि हमारे ऊपर जो है इतनी मांग है, तो हम ये कहेंगे उनसे कि ये चीजें गलत हैं, बिल्कुल गलत हैं, और आलोक मौर्य को न्याय मिलना चाहिए, और उनको उस पद से बहिष्कृत कर देना चाहिए, केंद्र से कहा, हाँ, उस पद से बहिष्कृत, अन्य लोग भी ये देखें कि अन्य लोगों की जो परिवार ऐसा करे, उनके साथ भी वैसा होना चाहिए, इससे सीख मिलनी चाहिए जी। सर, इस वक्त आपको उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं, समस्त लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? उनसे यही कहेंगे कि अपने ये चीज मत सोच के चलिए, अपने परिवार को आप शिक्षित करिए, अपने परिवार प्रतियोगी परीक्षाओं को आप पढ़ाने दीजिए परिवार को, हर आदमी, हर महिला ज्योति मौर्य नहीं बन सकती, हर ज्योति मौर्य एसडीएम के पद पे हैं मानता हूँ, लेकिन उनके विचार गंदे हैं, तो इस तरीके से आप अन्य लोग से हम यही सुझाव देंगे कि आप ज्योति मौर्य को न देखिए, अपने परिवार को पढ़ाइए, अपने परिवार को देखिए, और परिवार की महिलाओं के, परिवार के जो सदस्य हैं, महिलाएं हैं जो प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं, उनसे भी यही कहेंगे, उनको भी सुझाव देंगे कि आप भी अपने परिवार को छोड़ के मत जाइए, अगर सिलेक्शन होता है तो आपका श्रेय अपने पति और अपने परिवार वालों का रहेगा, जिससे आप एक संगठित परिवार बना सकते हैं। धन्यवाद सर आपको पीजी न्यूज से बातचीत करने के लिए। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।